तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेथमोर ब्रिस्टल पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। इसके काफ़ी सारे वेरियंट्स आते हैं, लेकिन ये स्मूथ सरफेस वाला वेरियंट है। और स्केचिंग के लिए मैं एक एच पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये इजिली स्मज नहीं होते। तो ड्राइंग स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करने से। ये ट्यूटोरियल है ये खास तौर पे आइज कलरिंग के ऊपर है, लेकिन मैं आपको फिर भी स्केचिंग का प्रोग्रेस दिखाना चाहता था। ये स्केच काफ़ी सिंपल सा होने वाला है और फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब मैं कलरिंग वर्क स्टार्ट करूँगा आँखों के लिए। ठीक है, तब तक आप प्लीज़ प्रोसेस इन्जॉय करना। तो ये स्केच जो है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इसके आँखों को कलर करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एरिया को लाइटली इरेज कर लेंगे। ये करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कलरिंग स्टार्ट करने से पहले, वरना जो कलर्स हैं वो साफ़ सुथरे नज़र नहीं आएंगे। बस इसी तरह इसको हल्का इरेज कर लेंगे। फिर आपको सबसे लाइट कलर लेना है उस एरिया का जिस एरिया पर आप कलर करने वाले हो। मैं कॉपिक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपको उस पार्ट के सबसे लाइट कलर से पूरे एरिया को फिल कर लेना है, और ये वैसे भी लेयर वन होने वाला है। बस इसी तरह से उसके बाद हमें उससे थोड़े से ज़्यादा डार्क टोन का यूज़ करना है, और ये हमारा सेकंड लेयर है। और क्योंकि इसकी आंखों में मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं इसमें पेंसिल कलर्स का भी यूज़ करूँगा डिटेलिंग के लिए। और ये जो मैं मार्कर्स यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ बेस लेयर्स के लिए है। मैं ये सिर्फ पेंसिल कलर से भी कर सकता था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे ब्लेंडिंग के लिए और ज़्यादा वर्क करना पड़ता। तो उसी एक्स्ट्रा वर्क को कम करने के लिए मैं इन मार्कर्स का यूज़ कर रहा हूँ बेस लेयर्स के लिए, और ये प्रोसेस को फास्ट भी बनाता है।
और ये पेंसिल कलर्स के ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बेस लेयर्स के लिए बस हमें इतना ही ऐड करना था और अब हम इसमें पेंसिल कलर्स का यूज़ करेंगे। ये देख सकते हो ये सारे ब्लू शेड्स के पेंसिल कलर्स हैं और इसमें मैं एक वाइट कलर का भी यूज़ करूँगा। और ये सारे जो पेंसिल्स हैं ना ये प्रिज्मा कलर प्रीमियर्स हैं। तो हम शुरुआत करेंगे शेडो वाले एरिया के आउटलाइन ड्रॉ करने से। ध्यान रहे कि आपका जो पेंसिल है वो प्रॉपरली शार्प होना चाहिए क्लीन लाइंस के लिए। और उसके बाद कलर फिल करने के लिए मैंने पेंसिल को सर्कुलर मोशन में मूव करूंगा और आपको अपने हाथों के मूवमेंट्स के फ्लो को काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं इसमें प्रेशर अभी कम अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें अभी और कलर्स ऐड करने हैं। ये पूरी तरह से प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें हैं और ये कुछ ट्राइज में सीखी नहीं जा सकती। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसा भी कितना भी अच्छा कलर यूज़ कर लो, आपको उसके लिए सही टेक्निक और प्रैक्टिस की ज़रूरत तो पड़ेगी। और अगर आप एक बिगिनर हो, मतलब आपने अगर ड्राइंग अभी स्टार्ट ही किया है, तो आपको इन कलर्स की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आपको थोड़े अफोर्डेबल और थोड़े सस्ते कलर से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है पहले। सेम इसी तरीके से मैंने भी प्रैक्टिस की थी जब मैंने फर्स्ट टाइम कलरिंग स्टार्ट की थी। मैंने जो फर्स्ट कलर यूज़ किया था वो डॉम्स ब्रांड का था। उसके बाद मैं टाइम के साथ साथ अपने कलर्स भी अपग्रेड करता चला गया कुछ सालों में। अभी आप देख सकते हो कि मैं कलर्स को ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको वो ग्रेन्स नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं सिर्फ कलर्स को मिक्स कर रहा हूँ डिफरेंट शेड्स को सही टोन पाने के लिए। तो एक बार मैं इन कलर्स को मिक्स कर दूँ उसके बाद मैं ब्लेंडिंग वर्क स्टार्ट करूँगा। और प्लीज़ ध्यान में रखना कि कलरिंग वर्क जो है वो हमें जितना हो सके स्लोली करना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना कलरिंग मिक्सिंग उसके बाद उसको ब्लेंड करना, इसमें आप रश नहीं कर सकते, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा काफ़ी। और आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी लेते रहना है, उसके बाद फ्रेश माइंड के साथ वापस आके कलरिंग को कंटिन्यू करना। ऐसा करने से आप बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखोगे अपने कलरिंग प्रोग्रेस में। और अब जो है मैंने प्रॉपर ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी डिप्रेस मत होना अगर आपको सेम रिजल्ट ना मिले तो, क्योंकि सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है और सीखने का टाइम भी सबका अलग अलग होता है। मुझे खुद काफ़ी साल लगे थे जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, आपके पास मैं हूँ और पूरा का पूरा इंटरनेट है। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला ये सीखने में, बस भरोसा रखना और वो ड्रॉ करते रहना जो आपको ड्रॉ करना पसंद है। तो दूसरी आंखों के लिए जो प्रोग्रेस है वो भी सेम ही है। और एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी, आपने अगर डिस्कॉर्ड अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको कुछ भी पूछना हो ड्राइंग से रिलेटेड या फिर कुछ भी पूछ लेना, मैं हेल्प कर दूंगा वहाँ पे। आई रियली होप ये पूरा प्रोसेस आपने ज़रूर इन्जॉय करा होगा। प्लीज़ लाइक कर देना सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।